अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। प्रबंध न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आरटीई 25% साल 2024-25 के तहत सभी स्कूलों में नियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया रबाई जाए, ऐसी मांग का निवेदन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आज तारीख 29 जुलाई 2024 को शिक्षा अधिकारी प्राथमिक पंचायत समिति परवनी इन्हें दिया गया है। दिए गए निवेदन में कहा है कि कई स्कूलों में कक्षा पहली के लिए 100 से ऊपर छात्रों की संख्या होना, उसी तरह 25% नियम के तहत लाभार्थियों को चयन किया जाना अपेक्षित होने के बावजूद सिर्फ 10 से 12 लाभार्थियों को ही चयन किया गया। नियम के तहत 25% नियम पूरे किए हुए नहीं है, इसलिए सख्त से सख्त जाँच करते हुए शहर के कई स्कूलों में शासन के दरबार में टुकड़ी अंदाजी 40 छात्राएं बताते हुए नोन की गई है। परंतु वहाँ देखा जाए तो स्कूल में 3-3 टुकड़ियाँ हैं जिसमें 100 के ऊपर छात्र है। उसी तरह आरटीई के प्रवेश के लिए चुने गए छात्राओं की चयन भी होना जरूरी है, लेकिन गलत बताकर वहाँ पर किराएदारों को बताते हुए 1 किलोमीटर के भीतर गलत लोकेशन दिखाकर उन्हें रहवासी बताते हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए गरीब छात्राओं के शिक्षा का नुकसान किया जा रहा है। इस ओर शिक्षा अधिकारी ध्यान दे, वरना आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से इस पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा निवेदन में कहा गया है। निवेदन देते समय कृष्णा कटारे इनके अलावा अन्य पदाधिकारी समय मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में पुरानी पेंशन की योजना को लेकर आने वाले 27 अगस्त 2024 के रोज सुनवाई होने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे इन्होंने विधिमंडल में घोषणा में कहीं अवधि का सरकारी वकील श्री आदित्य पांडे साहब इन्होंने 18 जुलाई के रोज सुनवाई में शपथ पत्र पेश करने की बात कबूल करते हुए युक्तिवाद किया गया था। इसे 10 दिन हो चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अभी तक भारत सरकार ने अपना सकारात्मक शपथ पत्र अब तक पेश नहीं करने से राज्य के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी के ओर से हक पेंशन के लिए शासन किसी प्रकार की कोई सकारात्मक शपथ पत्र अब तक लिखकर देना जरूरी है, ऐसा कहते हुए उसी को अवगत कराने के लिए फिर से आज 29 जुलाई 2024 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, उसी तरह सचिव, विधि न्याय सचिव और अर्थ सचिव और शिक्षण सचिव, इन्हें भी निवेदन देकर पेंशन बचाव कृति समिति की ओर से ये जानकारी दी गई है। इस दिए गए निवेदन पर अशोक रसाल, अंदोले LS, नलतकर VG, खेड़कर KS, धुड़े SM, राठौड़ AP, पवार SK, शेख नजीर शेख बशीर, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी और सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद है। सवीस हजार शालेय कर्मचाऱ्यांमध्ये परभणी जिल्ह्यातसुद्धा काही बांधव बाधित आहेत आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमचा प्रश्न जो सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे त्याची सुनावणी 7 ऑगस्टला होणार आहे। त्या सुनावणीच्या वेळेस राज्याच्या वतीनं आम्हाला अनुकूल शपथपत्र दाखल करण्यात येईल अशा प्रकारचे आश्वासन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहामध्ये दिलेलं आहे। त्या सभागृहाच्या त्या आश्वासनाच्या अनुषंगानं त्यांना आठवण करून घेण्यासाठी आज आम्ही आपले जिल्ह्यातील परभणी जिल्ह्यातील सर्व बांधव माननीय जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत आणि मुख्यमंत्र्याला अशी आम्ही विनंती करतो की लवकरात लवकर आपण हा प्रश्न निकाली निघण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीनं अनुकूल शपथपत्र द्यावं आणि प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढून राज्यातल्या 26,000 बांधवांना आपण न्याय द्यावा ही विनंती यामार्फत। देश में बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ऑटो चालकों को भुखमरी की नौबत आन पड़ी थी, लेकिन विकल्प के तौर पर LPG गैस अब हर जगह पर डीजल पेट्रोल की कीमत के काफ़ी कम कीमतों में उपलब्ध किया जा रहा है। इसी को देखते हुए परभणी के बस स्टेशन के करीब समझ जिनिंग के पास ताजा गैस ऑटो LPG गैस पंप शुरू किया गया है। इस गैस पंप का उद्घाटन विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथों किया गया। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट अशोक सोनी, पूर्व नगर सेवक विजय राव जामकर, रविंद्र पतंगे, पूर्व सभापति गणेश घाड़गे, सोपान राव मोरे, व्यवसायिक संदीप भंडारी, कोतवाली पुलिस थाने के PI नन्नावरे साहब, या इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस के PSI मकसूद पठान, रविंद्र दीपक, JD सोमानी, धनराज सोमानी, धीरज सोमानी, डॉक्टर सत्यनारायण सोमानी, सुभाष धुत, महेश मुंदड़ा, मधुकर सोमानी, इनके अलावा शहर के व्यापारी और प्रतिष्ठित नागरिक इस समय गैस पंप के उद्घाटन के समय मौजूद थे। उन लोगों का, प्रतिष्ठित नागरिकों का इस समय पंप एजेंसी धारक की ओर से उनका सम्मान और सत्कार किया गया। 55 से 60 रुपये फ्लेक्सिबल रहा था, जैसा रेट निकलो शुभन के रेट चलता सद्या का जो दर है 59 रुपये का पैसा है।
आपल्या ॲटोवाल्यांना जास्तीत जास्त मुबलक प्रमाणात सेवा आम्हाला कशी देण्यात येईल ती आम्ही प्रयत्न करायलो. किती मॅक्झिमम डिस्काउंट देता येईल ते प्रयत्न करायलो. ॲटो चालकांना सर्वात जास्त सुविधा म्हणजे बस स्टँड रेल्वे स्टेशनजवळ राहिल्यामुळे जे ॲटोवाले पहिले वसमत रोड 10 किलोमीटरपर्यंत जायला त्यांना वेळ लागत होता तिथून यायला वेळ लागत होता तो त्यांचा वेळ वाचणार त्यांचे ते पैसे वाचणार. आम्ही असा पॉईंट बघितला की जेणेकरून सर्वांना चांगल्यात चांगली सुविधा भेटावी आणि आपल्या ॲटो चालकांचा वेळ आणि पैसे दोन्ही वाचवावे ही आपची त्या मागची चालकांना मी विनंती करतो की जास्तीत जास्त LPG किट बसवून द्यावे. ॲटो चालकांसाठी तर आहेच आहे, प्लस ज्यांच्या पेट्रोलच्या गाड्या आहेत त्यांनी LPG किटमध्ये कन्व्हर्जन करून घ्यावे. LPG किटचं एवढे चांगले ॲव्हरेज आणि विदाऊट मेंटेनन्स, पेट्रोल बघा 100 पुढं गेलेले आहे आणि LPG रेट जे आहे 55 ते 60 रुपये ॲव्हरेज. LPG अजून जास्तच भेटतो, जवळपास 1 लिटरमध्ये 20 ते 25 डिपेंड ऑन कंपनी कसा हे भेटतो. आणि आमचा जादा गॅसचा हा जवळपास 10वा पंप आहे. यात आम्हीचा जे कंपनीचा मायलेजसुद्धा खूप जास्त आहे दुसऱ्या कंपन्यापेक्षा. ज्यांनी अनुभवलेले सर्वांच्या पेक्षा मुलाखत किती आहेत तिथे. जादा गॅस ही खूप चांगली कंपनी आहे आणि सर्व चांगली चांगली क्वालिटी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अंडर वॉटर टनल फिश एक्वेरियम और मेला, भारत का सबसे बड़ा कार्निवल, कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका. पूरे फैमिली के साथ आइए और खिलौने का मजा उठाइए. फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए. मछलियों की कई वैरायटियां, बड़े से बड़े और छोटी से छोटी मछलियां. ठिकान नूतन ग्राउंड दरगाह रोड परभनी. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फतरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3 पुराना पेड़गांव रोड पोस्ट ऑफिस के करीब स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. तरोड़ा के किसानों को यहाँ के रास्ते के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. समस्या को देखते हुए विधायक सुरेश राव वरपुड़कर इन्होंने यहाँ पर निधि उपलब्ध कराते हुए आज 29 जुलाई 2024 के रोज विधायक सुरेश राव वरपुड़कर इनके हाथों उद्घाटन किया गया. इसके वास्ते यहाँ के नागरिकों ने और ग्रामीण के किसानों ने मिलकर विधायक सुरेश राव वरपुड़कर से ये सवाल रखा था कि यहाँ के सड़क निर्माण के लिए यहाँ पर निधि दिया जाए. उसी को देखते हुए सुरेश वरपुड़कर इन्होंने तरोड़ा ग्रामीणों की मांग को पूरा करते हुए आज 79 लाख रुपयों का निधि प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 79 लाख रुपयों का निधि उपलब्ध कराते हुए 1,700 मीटर का डामरीकरण का रास्ता और पुल के बांधकाम की शुरुआत की गई है. इस समय तरोड़ा के सरपंच मुरलीधर शेड़के, जिला परिषद के पूर्व सभापति रामभाव घाड़गे, उप सरपंच लक्ष्मण दुगाने, चेयरमैन बाला साहेब खवले, नारायण शेड़के, वसंतराव खवले, विश्वनाथ खवले, बलिराम कदम आदि ग्रामवासी समय मौजूद थे. आज तरोड़ा परभणी तालुक्यात तरोड़ा येथील मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनेच्या मध्ये अप्रोच रोडचं परभणी रस्त्या असून तरोडा गावापर्यंत या रस्त्याचं डांबरीकरणाचं काम, त्याचबरोबर गावातल्या पुलाच्या फार मोठ्या अडचणी या ठिकाणी होत्या, त्या पुलाचं काम सुद्धा याच्यामध्ये होणार आहे. हा रस्ता फार रहदारीचा आहे, तुळकुडा मंदिरावर जाणारा फार मोठा रस्ता आहे. गावातून पूर्णपणे बाहेरचे सर्व लोक दर्शनासाठी येतात, त्यासाठी हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्या रस्त्याचा आज आपण या ठिकाणी महापूजन केलं. आवाज पहिलंच मोठा. आज तरोडा या गावामध्ये जो मुख्य रस्त्याचा कार्यक्रम म्हणजे प्रश्न होता मोठा, तरोडा पाटी ते तरोडा गावापर्यंत डांबरीकर रस्त्याचा जो मोठा प्रश्न होता, आम्ही वरपुडकर साहेबांच्या पाठीमागं लागून त्यांना विनंती करून त्यांच्याकडून मुख्यमंत्री सहाय्य समितीमधून
रस्ता मुझे करून घेतलेला आहे आणि त्या रस्त्याचं उद्घाटन आज माननीय आमदार सुरेशराव जोशीकर यांनी नारळ फोडून केलेलं आहे आणि येत्या 6 महिन्यामध्ये आमच्या गावचा जो प्रश्न होता तो मार्गी लागेल आणि साहेबांनी सुद्धा आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की लवकरात लवकर आम्ही चांगल्या दर्जाचं काम आम्ही करून घेण्याचा प्रयत्न करू आणि तुमच्या गावचं सुद्धा सहकार्य राहू द्या आणि साहेबांच्या पूर्ण पाठीशी सर्व गावकरी मंडळे आहेत एवढंच मी बोलतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा साहेबांनी आम्हाला भरपूर प्रमाणे मदत करावी गाव सुद्धा त्यांच्या पाठीवर म्हणजे तयार आहे आणि त्यांना पाठिंबा आहे साहेबांनी इतर जे काही महत्त्वाचे काम आहे त्या सुद्धा कामामध्ये आम्ही त्यांना हे केलेलं आहे विनंती केलेली आहे त्यांनी आमची विनंती मान्य केलेली आहे आम्ही सर्व गावकरी मंडळी त्यांच्या पाठीचे आहोत एवढंच मी बोलतो. दूध मिलावट निवारण समिति द्वारा सैंपलिंग निरीक्षण. आज तारीख 29 जुलाई 2024 सोमवार के रोज दूध और दुग्ध उत्पादों के मिलावट रोकने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर एवं समिति के अध्यक्ष प्रताप काले इनके मार्गदर्शन में दुग्ध संग्रहण केंद्रों दुग्ध उत्पादक और उत्पादन स्थलों पर विक्रय केंद्रों आदि पर निरीक्षण के लिए मिलावट निरोधक उपाय किए जा रहे हैं. इसी के तहत आज 29 जुलाई 2024 सोमवार के रोज तालकड़े स्थित हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के दुग्ध संग्रहण केंद्र पर समिति सदस्य सचिव श्री गिनगिने समिति सदस्य एम तम्बंडवार इन्होंने आज अचानक केंद्र पर छापा मारकर दूध का निरीक्षण किया. इस समय एम तम्बंडवार ने जांच के लिए दूध के नमूने लिए हैं. हालांकि समिति के माध्यम से जिले के दूध और दूध उत्पादकों को व्यवसायियों से अपील की जा रही है कि वो दूध एवं दूध से बने उत्पादकों को साफ शुद्ध एवं गुणात्मक पूर्ण तरीके से संग्रहित कर बिक्री करे, अन्यथा किसी भी प्रकार की मिलावट पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इस समय कहा गया है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय 9:00 AM से दोपहर 2:00 PM तक और 5:00 PM से रात 9:00 PM तक. दो भाइयों के संपत्ति के विवाद में समझाने आए भाई की सास साले और साली की पत्नी और उम्र 19 साल के युवक पर कुल्हाड़ी और कत्ते से जानलेवा हमला कर दिया गया. यह घटना 29 जुलाई 2024 करीब सुबह 10:30 के टाइम परभनी शहर के खानापुर इलाके में हुई है. घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया. इस बारे में सूत्रों से मिली जानकारी यह है कि खानापुर के इस इलाके में दो भाई हैं जिसमें संजय काले और कैलाश काले के बीच संपत्ति को लेकर विवाद है. इस विवाद को सुलझाने के लिए एक बैठक बुलाई गई. कुछ रिश्तेदार भी बिना बहस किए आपस में मामला निपटाने के लिए आए. संजय काले, इनके ससुराल के लोग भी इसमें इस समय शामिल हुए. आज सोमवार के रोज सुबह संपत्ति को लेकर विवाद पैदा हुआ. संजय काले इनके ससुराल की ओर से आए हुए लोगों को कुल्हाड़ी और कत्ते से बुरी तरह से मारपीट करना शुरू किया, जिसमें स्वाति तुकाराम नवले 41 साल, तुकाराम धारोजी नवले उम्र 36 साल, रुक्मिनी बाई धारोजी नवले उम्र 60 साल, रहने वाले असोला, श्री हरि संजय काले उम्र 19 साल, खानापुर, ये जख्मी हुए हैं. बुरी तरह घायल हुए इन जख्मियों को जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है. अभी तक किसी प्रकार की अपराध की नोंद नहीं की गई है. मग लगेच त्यांनी ते बोलणं ना ऐकून घेताच त्यांनी मारायला सुरुवात केली. मग मारायला सुरुवात केल्यावर आमचा आरडाओरडा झाला, म्हणजे खालून आले तर मग तोवर त्यांनी मार केला कुऱ्हाडीनं, काही चकू न काही. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हरनिया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौहरा
चौराहा से चौक रोड बैरागी कॉलोनी तुलसीपुर जनपद बलरामपुर यूपी तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभणी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। पालम तहसील के मौजे उमरथड़ी इस गांव के बोगस पंचनामे करने वाले बीएलओ ग्राम सेवक तलाटी मंडल अधिकारी इन पर कार्रवाई करने के लिए पालम तहसील के सामने 31 जुलाई 2024 से घंटानाद आंदोलन करने का आयोजन किया गया है। उसी को लेकर आज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में ये कहा है कि ये बोगस पंचनामे करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया गया तो आने वाले 31 जुलाई को घंटानाद आंदोलन किया जाएगा और तीव्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के बावजूद भी नहीं अगर प्रशासन सुनेगा तो आने वाले 5 अगस्त के रोज बेमुद्दत अमर अनशन पालम तहसील के सामने किया जाएगा। ऐसा निवेदन आज गांव वालियों की तरफ से दिया गया है। दिए गए निवेदन पर गजानन परशुराम दुदाटे, रामेश्वर मुरलीधर दुदाटे, श्याम आत्माराम दुदाटे के साथ तमाम गांव के नागरिकों के हस्ताक्षर मौजूद है। ग्राम पंचायत उंबरथड़ी या ठिकाणी संगीता अच्युतराव पाथरकर आमचे सरपंच 2 वर्षापासून सरपंच आहेत। काही विरोधकाला हाताशी धरून राजकीय दबावापोटी कर्मचारी तलाटी ग्रामसेवक आणि मंडळ अधिकारी यांनी येऊन शेताला सगळे लोक गेले असताना पंचनामा केला इथे राहत नाहीत म्हणून कोणीच गावात नसताना तर शेताला इकडं तिकडं जातच असतात माणसं। 2 वर्षापासून सरपंच आहेत त्या उंबरथडी ग्रामपंचायतच्या आणि खोटी पंचनामे करतात गावचा कारभार पाहतात सरपंच आहेत इथं आणि ही खोटी पंचनामे करून शेतामध्ये पंचनामे करून राजकीय विरोधकांना हाताशी धरून खोटी पंचनामे करून काहीतरी मनानं हे करतात त्याच्यासाठी आम्ही कलेक्टर ऑफिसला निवेदन दिलेले कोणाच्या विरोधात कर्मचारी ज्यांनी खोटा पंचनामा केला त्यांच्या विरोधात कशाचा सरपंच राहत नाहीत गावात। परभणी कार्यालय माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना निवेदन दिलं कारण सौ संगीता अच्युतराव पाथरकर या गेली 2 वर्षापासून उंबरथडी येथे सरपंच आहेत आणि त्या नामा प्रवर्गाच्या महिला असल्यामुळं राजकीय दबावापोटी दोष करून राजकारणाला हाताशी धरून प्रशासन त्याच्या बाजूनं आतापर्यंत एका गावामध्ये 2 नावं आहेत म्हणून आम्ही जवळपास गेली 2 वर्षापासून त्यांना आम्ही पत्र देतो की बाबा आम्हाला ह्या गावामध्ये आम्ही राहत नाही आहे आम्ही नका उंबरथडीचे सरपंच आहेत आमचं नाव काढावं आम्ही वेळोवेळी त्याला 1-5 पत्र दिलीत त्या पत्राच्या आधारे आमचं नाव कमी करण्याच्या ऐवजी ते काय करतात की हे गावातच राहत नाहीत म्हणून तहसीलदाराला दडपशाही तहसीलदार साहेब आमचे नांदेडला आपलं राहतात मंडळ अधिकारी आमचे नांदेडला राहतात तलाटी परभणीला राहते ग्रामसेवक परभणीला राहते आणि जे गावातला बेलो आहे तो पण नका राणी सावरगावला राहते गंगाखेड तालुक्यामध्ये राहते मग गावचा प्रथम नागरिक रोज मीटिंग असतात सभा असतात लोकांच्या अडीअडचणी सोडवतात आणि प्रथम नागरिक माणसालाच बाहेरचे हे चोर जे की प्रशासनाला ज्या ठिकाणी राहायला पाहिजे हे न राहता हे प्रशासनाचे कामं कितला करतात कवा येतात गावात कधीच येत नाहीत हेच गावात येत नाहीत हा तुम्ही सांगता की आम्ही गावात आलून ते नव्हते म्हणण्याचा अधिकार ह्यांना काय रहिवासी ज्या गावचे प्रथम नागरिक आहे गव्हर्नमेंटनं म्हणजे तुम्ही निवडणूक आयोगालाच म्हणताय की निवडणूक आयोग चुकीचा आहे ज्या प्रशासनानं पत्र दिलंय सरपंच आहे रोज प्रोसिडिंग चालू आहे SDM साहेब त्या ठिकाणी आमचं एकच म्हणणं आहे ह्याच्यामध्ये आमचा न्याय आम्ही राहत नाहीत म्हणणाऱ्या जे मंडळाधिकारी तलाटी ग्रामसेवक यांना तात्काळ निलंबित करावं नाहीतर अन्यथा आम्ही 4 तारखेपासून उपोषण कलेक्टर साहेबाच्या तिथं करणार कारण तिथं दुखणं मांडून काही उपयोगच नाही तहसीलदार साहेबाकडे कारण त्यांनीच केलेला खेळ आहे त्याच्यामुळं आणि ह्याच्यामध्ये राजकीय असल्यामुळं एका बाईचे आतापर्यंत परभणी जिल्ह्यामध्ये 2 ठिकाणी नावं असलेल्या किती लोकांचे पंचनामे त्यांनी केलेत ते पण आम्हाला दाखवावेत म्हणजे तहसीलदार साहेबांनी मंडळ अधिकाऱ्यानं तलाट्यानं ग्रामसेवकानं आणि बेलोनं किती पंचनामे आज रोजी केले आता आमच्या गावातले 37 नावं आमचे देऊळगावचे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।